अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं यूसुफ आगा खान, एसपी मोटर की तरफ से आप लोगों के लिए आया हूं। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी मैं लाया हूं उसके हवाले से आप लोगों को बताता हुआ चलूं। अच्छा, गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं टोयोटा कंपनी की वीगो, लाया हूं वीगो डाला आप कह सकते हो या वीगो कह सकते हो। तो आज गाड़ी जो है वो है व्हाइट कलर की 2005 मॉडल की, थाईलैंड मैन्युफैक्चर वीगो लाया हूँ जो कि 4000 सीसी ऑटोमेटिक है। इसमें आप लोगों को मैंने शायद पहले वीडियो मैंने बहुत अर्सा पहले वीगो की वीडियोज़ अपलोड की थी, इसमें एक 4000 आती है और एक 3000 आती है। 3000 जो है वो डीजल आती है और 4000 जो है वो पेट्रोल आती है, फिर इसमें मैनुअल भी आती है और ऑटोमेटिक भी आती है। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑटोमेटिक वीगो लाया हूँ जो कि थाईलैंड मैन्युफैक्चर है और 2005 मॉडल की है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, वाइट कलर की है और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन की। इसमें 4000 सीसी इसमें पेट्रोल इंजन है। तो जैसे कि हमेशा आप लोगों को मैं एक चीज़ अलग अलग बताता हूँ, जैसे कि बॉडी के हवाले से बताता हूँ। तो वैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बॉडी के हवाले स्टार्ट करते हैं। बॉडी जो है बॉडी कंप्लीट ए टू जेड अपनी जीनियन कलर में है, बम्पर टू बम्पर अपनी जीनियन कलर में है, लेकिन टचअप इसमें इस वजह से है क्योंकि थाईलैंड मैन्युफैक्चर थाईलैंडी गाड़ी है जो होती है, इसमें अलका टचअप जो है वो खामखात है। फ्रंट से आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारे साफ सुथरे कंडीशन में है, फ्रंट निकल आप जाली का देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त खूबसूरत कंडीशन में। और इसकी फेसलिफ्ट हुई है 2013-14 मॉडल फेसलिफ्ट हुई, आप देख सकते हैं 2013-14 मॉडल फेसलिफ्ट हुई है। फ्रंट हेडलाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें जीनियन साफ सुथरे अपने इसमें जो है इसमें हेडलाइट लगे हुए हैं और साथ साथ फ्रंट बम्पर आप देख सकते हैं फॉग लाइट में है और साथ साथ बिल्कुल स्क्रैचलेस साफ सुथरे खूबसूरत कंडीशन में। फ्रेंड्स बॉडी जो है बॉडी का कंडीशन जो है वो बिल्कुल लश कंडीशन है, बिल्कुल प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन। बोनट आप देख सकते हैं, गाड़ी का बोनट जो है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन। इसका जो फ्रंट शो है जैसे कि फ्रंट लाइट, फ्रंट जाली, फ्रंट बम्पर वगैरह जो है कंप्लीटली नए शेप के इसमें डलवाया गया है। अच्छा, गाड़ी साइड व्यू आप देख सकते हैं, कैलेंडर साइड गाड़ी का आप देख सकते हैं जो कि इसके चाहे गोले हो चाहे दरवाजे वगैरह हो बिल्कुल ज़बरदस्त साफ सुथरे स्क्रैचेस के बगैर है, ज़बरदस्त कंडीशन में है। और इसमें बड़े खूबसूरत इसमें रिम लगे हुए जैसे कि जो फॉरनर सर्फ में आते हैं और इसके दरवाजों के हैंडल जो है इसमें निकल यूज़ हुआ है। और साथ ही साथ इसी तरह कैलेंडर साइड भी आप देख सकते हैं कि इसमें रिम और टायर कितने नए लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें रिम और टायर जो है एलेक्स जो फॉरनर आता है फॉरनर शेफ वाले इसमें जो रिम टायर लगी जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कैलेंडर साइड भी बिल्कुल स्क्रैचलेस साफ सुथरे कंडीशन में है, बिल्कुल जो है चाहे इसके गोले वगैरह हो चाहे इसका डाला वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त साफ सुथरे कंडीशन में है। अच्छा, डाला आप देख सकते हैं, इसका डाला बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में, ऊपर से जो है इस पर जो है ना लेदर शीट कवर इस पर डलवाया गया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही साथ इसके डाला जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन, कोई ख़राब नहीं हुआ है। उसका जो जंगला है जो डाले की जंगला है वो बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में है। और साथ ही साथ इसके बैक लाइट जो है इसमें बैक लाइट भी जो है वो नए शेप वाले जो है इसमें डलवाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ गाड़ी का रूफ जो है ज़बरदस्त प्यारे कंडीशन में है, बैक मिरर आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत कंडीशन में, कोई ख़राब वगैरह नहीं हुई है। गाड़ी का कंडीशन जो है बहुत ही प्यारे कंडीशन में है। इसका जो डाला है, इसका जो डाला तो खैर आप लोगों को दिख रहा है कि डाले की कंडीशन कितने ज़बरदस्त है। इसका जो बैक दरवाज़ा है, डाले का जो बैक दरवाज़ा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन है, इस पर ब्रेक लाइट्स है। और साथ ही साथ इसमें जो बैक लाइट्स लगी वो भी नए शेप वाले इसमें डला है। और बैक बम्पर आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त में आफ्टर मार्केट डाला जाता है और इसमें यह लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ बैक दरवाजे में जो है इसमें ब्रेक लाइट भी है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर बॉडी तो आप लोगों ने देख लिया, इंटीरियर इसका बड़ा खूबसूरत इसका इंटीरियर, इंटीरियर दो कलर यूज हुए, ब्लैक कलर और येलो कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर आप कह सकते हो। इसमें डैशबोर्ड का ऊपर ऊपर हिसाब देख सकते हो, स्टीयरिंग देख सकते हो कंप्लीटली इसकी जो है ब्लैक कलर का डैशबोर्ड का निचला हिसाब देख सकते हैं। और दरवाजे वगैरह जो है दरवाजे भी ब्लैक कलर, डैशबोर्ड का निचला हिसाब और रूफ वगैरह जो है येलो कलर के जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन है। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक है और इसमें जो खोमक वगैरह जो है गाड़ी का, इसका जो खोमक वगैरह है वो बिल्कुल जो है मिसाल बिल्कुल वर्किंग में है। और साथ ही साथ इसमें जो है ना ऑडियो टेप लगा हुआ है, डबल मीटर की गाड़ी है, कोई मल्टीमीडिया इसमें स्टीयरिंग तो नहीं है लेकिन आप लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट डबल मीटर की गाड़ी है। और गाड़ी की जो एसी वगैरह है वो एसी वगैरह इसके बिल्कुल ऑन है। और साथ ही साथ इसमें जो ऑडियो टेप लगा हुआ है, सिंपल ऑडियो टेप लगा हुआ, एलसीडी वगैरह नहीं लगी हुई है। और इस पर जो इसके जो स्पीकर्स है दरवाजों, चारों दरवाजों में स्पीकर, जो डैशबोर्ड में इसके स्पीकर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत इसका वॉइस होता है। और इसके जो एसी है, एसी ऑप्शन वो बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाड़ी जो है चाबी स्टार्ट की, चाबी स्टार्ट आती है क्योंकि वीगो जो है वो पुश स्टार्ट आती ही नहीं, वीगो जो है वो चाबी स्टार्ट आप देख सकते हैं। और जो कि कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कंडीशन, डैशबोर्ड ऊपर ऊपर से ब्लैक निचला हिस्सा येलो कलर के जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। और साथ ही साथ इसका कोमक आप देख सकते हैं, कोमक का लीवर जो है वो निकला हुआ है लेकिन गाड़ी का कोमक वगैरह जो है वो बिल्कुल वर्किंग है, बिल्कुल काम कर रही है, कोमक हो चाहे गियर इंजन बिल्कुल वर्किंग में। अच्छा, बैक सीट आप देख सकते हैं, इसकी सीट से फ्रंट सीट या बैक सीट में ब्लैक कलर के कपड़े वाले सीट से जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारे कंडीशन में है। दरवाजे जो है वो भी बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक कलर के, उसके जो साइड मिरर है, चारों इसके मिरर जो है वो बटन कंट्रोल आप एडजस्ट कर सकते
सकते हैं और इसके सीट जो है बिल्कुल प्लास्टिक पे एक साफ़ सुथरे कंडीशन में, इसमें लेदर के नहीं, इसमें कपड़े के सीट से जो कि बिल्कुल खूबसूरत और प्यारे कंडीशन में है। बहुत इसके जो खैर फ्रंट की सीट एडजस्टेबल है, पिछले तो फिक्स आते हैं। अच्छा, ये इसका चेसिस आप देख सकते हैं, टोयोटा मोटर थाईलैंड को LTD मिसाल, ये थाईलैंड मैन्युफैक्चर है और 4000 cc आप देख सकते हैं, 9956 मिसाल ये है 4000 cc, और इसमें इंजन आप देख सकते हैं 1GR इसमें इंजन है जो कि चेसिस पत्री इसका जो है इसकी अपनी ओरिजिनल चेसिस पत्री है, और साथ ही साथ इंजन आप देख सकते हैं, इंजन रूम आप देख सकते हैं, इंजन का कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें 4000 V6 इसमें इंजन है और इंजन तकरीबन ऊपर से जो है फेंक आती है, लेकिन इंजन का कंडीशन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ज़बरदस्त कंडीशन में है। गाड़ी का हर एक पाइप, हर एक नट, इंजन रूम आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल जीरो कंडीशन V6 इसमें इंजन है, और इंजन जो है वो बिल्कुल प्यारे और ख़ूबसूरत कंडीशन में, ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ मिसाल जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं चली, जो फॉरेन में चली उसके अलावा गाड़ी जो है वो बिल्कुल चली ही नहीं, और गाड़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन, इंजन वगैरह बॉडी तो आप लोगों ने देख ली, इंटीरियर देख लिया। तो दोस्तों ये गाड़ी जो है ये फिलहाल अफगानिस्तान बॉर्डर पर खड़ी है, और गाड़ी जो है 2005 मॉडल की, 2013-14 फेसलिफ्ट हुई, और गाड़ी का कंडीशन आप लोगों ने देख लिया, ऑटोमेटिक है, 4000 cc इसमें इंजन है और ऑटोमेटिक ये गाड़ी है, और गाड़ी का कंडीशन बहुत ही प्यारा खूबसूरत, टोटल A to Z अपनी जीनियन कंडीशन में है, व्हाइट कलर की, और गाड़ी का प्राइस बताता हुआ चलो, और साथ साथ गाड़ी रूफ कट तो नहीं है, टेम्पर्ड तो नहीं। तो दोस्तों इसका फ्रेम नंबर जो है वो इसका जो चेसिस नंबर है वो ड्राइवर साइड के फ्रंट टायर के नीचे ही आता है फ्रेम पे, और साथ ही साथ कोई रूफ कट इसमें आती ही नहीं, ये साबित है, रूफ कट भी नहीं है, साबित है, टेम्पर्ड वगैरह नहीं, अपनी जीनियन कंडीशन में, और गाड़ी का प्राइस आप लोगों को बताता हुआ चलो दोस्तों, आज की ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपये में, जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर खड़ी आप लोगों को मिलेगी 27 लाख रुपये में, जो कि नॉन कस्टम पेड है। अगर कस्टम पेड इसी कंडीशन की होती तो शायद इसका प्राइस ज्यादा होता, लेकिन ये नॉन कस्टम पेड आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 27 लाख रुपए में। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा दोस्तों, गाड़ी की डिलीवरी पूरे पाकिस्तान अवेलेबल, डिलीवरी गाड़ी की डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है, और पेमेंट के क्या प्रोसीजर और उसके लिए बिल्कुल कॉर्नर पर आप लोगों को मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप वहां पर देख ले, मुझे मैसेज कर ले, इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो दोस्तों अपने भाई को इजाजत दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।